प्रतिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरानी बोधतः। नमस्कार, मेरा नाम आरुषि है और मैं हूँ प्रशांत चौधरी और आप देख रहे हैं मेरी न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक विभाग की एक विशेष शोध रिपोर्ट मन की बात के 9 साल लोगों, नीतियों और शासन को बदलने के अनुसार प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के आज 9 साल पूरे होने पर मन की बात में शामिल कुछ विषयों और उनके सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए एक अध्ययन साझा किया है। भारतीय स्टेट बैंक और IIAM बेंगलुरु के साथ शोध कार्य में प्रधानमंत्री के मन की बात के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, यह आश्चर्यजनक है कि कैसे हमने इस माध्यम से कई जीवन यात्राओं और सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया है। इसरोस आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट डिपार्ट्स अर्थ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हेड्स टुवर्ड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रिपोर्टेड ऑन सितंबर 30 दैट द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली डिपार्टेड अर्थ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड विल फ्रॉम नाउ ऑन बी नेविगेटिंग इट्स पाथ toward the sun earth lagrange point 1 L1. MOU between Educational Research Institute and SPICMACI has since been signed by Professor Lalit Agarwal, Vice President MERI Group of Institution, and Ms. Suman Donga on behalf of SPICMACI in the presence of Ms. Usha Ravichandran and MERI family on 6 October 2023. मेरी कॉलेज अपना स्वयं का इंटरनेट रेडियो मेरी वाणी लेकर आया है। ये दुनिया में कहीं भी सभी के लिए सुलभ है। अधिक जानने के लिए कृपया मेरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। IP यूनिवर्सिटी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किक ऑफ विद हेल्थ मेला ऑन 5 अक्टूबर 2023। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज सेट टू होस्ट अ हेल्थ मेला फ्रॉम 5 to 10 अक्टूबर 2023 एज अ पार्ट ऑफ इट सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन। द थीम वन स्टेप टूवर्ड गुड हेल्थ will see over 100 healthcare-related organization offering free medical services and consultation, including eye test, cancer screening, and more. Expert lectures, discussion, and training session in life-saving technique will also be provided. The Vice Chancellor, Professor Dr. Mahesh Verma, emphasized the Mela's aim to spread health awareness, particularly in the post-pandemic era. ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 6 पदक आने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को एशियाई खेलों में भारत की पदक संख्या 81 हो गई। भारत 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। अन्नू रनी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अपने चौथे प्रयास में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 62.92 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही वह महिला भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीति आयोग सेट्स वाटर न्यूट्रलिटी स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज। द गवर्नमेंट्स थिंक टैंक नीति आयोग हैज लेट आउट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड अप्रोच ऑफ वाटर न्यूट्रलिटी फॉर इंडस्ट्रीज, सेइंग इट विल हेल्प सेव वाटर, लेड टू इट एफिशिएंट यूज एंड इनेबल इवोल्यूशन and validation of the water neutrality claims made by industries. Now comes the cyber security tip of the week. Make sure to turn off the Bluetooth when not in use. इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम और खबरों के साथ वापस आएंगे। तब तक सुरक्षित रहे और मेरी न्यूज़ बुलेटिन देखते रहे।